नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी कला को समर्पित है। नई शिक्षक भर्ती में 148 पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है टीजीटी कला के लिए। आप जानते हैं टीजीटी कला में फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हमें उम्मीद है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे ही अगर जो है आपकी रेगुलरिटी बनी रही तो निश्चित रूप से फतेह हो जाएगा। 148 कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा दिलेरी इच्छा है वो ये है कि अपने यहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो। 148 पोस्टों में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके बीच और कुछ एक्स्ट्रा डाटा मिलने वाला है, महामैराथन मिलने वाली है, तो उम्मीद मत हारिएगा, आराम से लगे रहिएगा। और जो डाटा आपको पढ़ा दिया गया है उसे बहुत जल्द आपको जो है रिवीजन करवाया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 5 का जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, कहा जा रहा है मोहनजोदाड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है। मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल मिली है 10.5 फीट की या 4.1 इंच की, वो किस माध्यम में है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी है, कांसा में बनी है, लकड़ी में बनी है या फिर पत्थर में बनी है? डाटा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, डबल स्टार लगाइएगा। कई बार ये क्वेश्चन छप चुका है, कांसा माध्यम में बनी है। हाइट कई बार पूछा गया, 10.5 इंच है, सॉरी सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है या फिर 4.13 इंच में है, तो 10.5 सेंटीमीटर कई बार पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ जा रहा है, पहले का राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। बदामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं कैसे हैं? नटराज के रूप में भगवान शिव, जैन तीर्थांकर, विष्णु के अवतार या फिर बुद्ध सो रहे हैं? तो बदामी गुफा आप जानते होंगे कहाँ पे स्थित है, तो बदामी गुफा कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है, और चालुक्य के वंश से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटका में बदामी गुफा है। गुफा संख्या 1 की छवियाँ कैसे हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा नटराज के रूप में भगवान शिव। नटराज के रूप में भगवान शिव में गुफा संख्या 1 स्थित है। गुफा संख्या 1 में यही है, भगवान शिव जो है नटराज के रूप में स्थित है। अच्छा, बदामी गुफा में कुल मिला के गुफाओं की संख्या कितनी है? तो बदामी गुफा बेटा 4 गुफाएं पाई जाती हैं, 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और 1 जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्टेला कैम्ब्रिज इसके खोज करता है, तो 4 गुफाएं भी पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। 3 जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, 1 जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद रखना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी जो है आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। कहा गया है किन गुफाओं को पंचपांडु के नाम से जाना जाता है? पंचपांडु गुफा किसे कहा जाता है? ऑप्शन से अजंता, सिकरिया, सित्तनवासल या फिर बाघ। बड़ा पंचपांडु की गुफा से नाम फेमस है जो है, उसे हम लोग बाघ गुफा के नाम से जानते हैं। डैगर फील्ड साहब 1818 में इसे खोजते हैं, तो बाघ गुफा राइट आंसर बनेगा। डैगर फील्ड साहब 1818 में खोजते हैं, ये बहुत बार पूछा गया, कब खोजा गया है? 1818 में खोजा गया। अच्छा, बाघ गुफा स्थित कहाँ पर है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघनी नदी के किनारे भी स्थित है, ये याद रखना है। धार एमपी सदैव याद रखना है बेटा। डगर फील्ड भी याद रखना है, खोजकर्ता डगर फील्ड है 1818 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? बेटा अवधि क्या है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन छपा है, इसकी अवधि क्या है? अजंता से पहले, अजंता के बाद या फिर बाघ गुफाओं के बाद या फिर बुद्ध के बाद? ऑप्शन आपको याद रखना है, इसमें से अजंता गुफा से पहले इसका राइट आंसर बनेगा कि जोगी मारा गुफा जो है अजंता गुफा से पहले की गुफा है, अजंता गुफा से पहले की गुफा है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। जोगी मारा गुफा कहाँ पे स्थित है बेटा? छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद, आप जानते होंगे रायगढ़ पहाड़ी पे स्थित है ये जोगी मारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। कहा गया पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पाल शैली में चित्रण का जो मुख्य विषय रहा है वो क्या रहा है बेटा? बौद्ध धर्म रहा है। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपना स्वमूल्यांकन कर रहे होंगे। स्वमूल्यांकन की पद्धति बहुत ही अच्छी होती है, आप अपने साथ अगर ईमानदारी से स्वमूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। बेटर परफॉर्मेंस ये है कि स्वमूल्यांकन कर रहे हैं, जो टॉपिक आपका गड़बड़ हो रहा है वो टॉपिक आपको पढ़ना है, यानी जहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो टॉपिक आपको पढ़ना है। स्वमूल्यांकन में यही फ़ायदा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं टेस्ट पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा फ़ायदा है, जब आप देंगे उसे सही दिशा में लेंगे तब जाके फ़ायदा है।
ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? मार विजय कहाँ पे है बेटा? अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 01, 02 या फिर गुफा संख्या 26। तो मार विजय कहाँ पे पाया जाता है? गुफा संख्या 1 में पाया जाता है। ऑप्शन जो है बी सही बैठ रहा है। मार विजय की मूर्ति गुफा संख्या 1 में स्थित है। गुफा संख्या 1 में मार विजय स्थित है। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणी बोधिसत्व स्थित है। गुफा संख्या 1 में शिवी जातक भी स्थित है। शिवी जातक भी बहुत बार पूछा गया है और पद्मपाणी बोधिसत्व तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जनता का। तो राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। गुफा संख्या 1 में मार विजय की मूर्ति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है? कौन सी शैली ज़्यादातर 7वीं से 12वीं के बीच फली फूली आगे बढ़ी? राजपूत शैली, जैन शैली, पाल शैली, मुगल शैली। राइट आंसर किस साथ जाएगा बड़ा? तो यहाँ पे पाल शैली के साथ जाएगा। पाल शैली में ही सबसे ज़्यादा ताड़पत्रों पर चित्रण का काम हुआ है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। कहा गया जैन धर्म में वह कौन सा संप्रदाय है जो अपभ्रंश कला शैली का विकास होता है? तो जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ है? श्वेतांबर, दिगंबर, उक्त दोनों या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो बड़ा जो जैन धर्म है वहाँ पे श्वेतांबर का विकास खूब अच्छे से होता है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। बहुत सारे लोग सी राइट आंसर लगा दिए होंगे क्योंकि उक्त दोनों भी है, उक्त दोनों नहीं भी है, इसलिए यहाँ पे उक्त दोनों लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बड़ा, जैन धर्म में श्वेतांबर का विकास खूब अच्छे से हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वार शैली या फिर अलवर शैली? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर बनेगा वो नाथद्वार शैली में बनेगा। पटचित्र सबसे ज़्यादा राजस्थानी शैली में नाथद्वार शैली पर बने हैं, यानी बी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, आजमेर, जयपुर या फिर कोटी बूंदा यानी कोटा बूंदी? तो मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र माना जाता है उदयपुर। उदयपुर ए इज़ द राइट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया है 12मासा चित्रण किस काल में अधिक बने हैं? बौद्ध काल, मुगल काल, राजपूत काल या फिर पूर्व मध्य काल? तो 12मासा के चित्रण ज़्यादातर कहाँ मिले हैं? राजपूत काल में मिले हैं। बेटा 12मासा होता क्या है? ऋतुओं से संबंधित चित्रण सबसे ज़्यादा 12मासा काल में हुआ है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। राजपूत काल में 12मासा के चित्रण खूब हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। कहा गया है आयने अकबरी के रचयिता कौन थे? आयने अकबरी के रचयिता कौन थे? केशव, अबुल फजल, अकबर या फिर दसवंत? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बड़ा अबुल फजल के साथ जाएगा। आयने अकबरी के रचयिता जो है अबुल फजल जी हैं। सी इज़ द राइट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया है मुगल काल में व्यक्तिगत चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? बेटा व्यक्ति चित्रण के लिए सबसे अच्छा कौन था? बिशन दास, मधुकर दास, भूषण दास या फिर कृष्ण गोपाल दास? तो मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण के लिए सबसे अच्छा था बिशन दास। बिशन दास यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्रण है। उस्ताद मंसूर किसके लिए फेमस थे? जादूगर, कबीर रैदास, साइबेरियन सारस या फिर नर्तकी? तो बड़ा उस्ताद मंसूर फेमस थे किसके लिए? तो साइबेरियन सारस के लिए फेमस थे। क्यों? क्योंकि एक पक्षी चित्रकार हैं, आप जानते हैं, बिशनदास नहीं, मंसूर। मंसूर जो है पक्षी चित्रकार हैं और इसमें बाज पक्षी का चित्रण हो, टर्की काक हो या फिर मोर मोरनी हो, इन सबको अच्छे से मंसूर ने ही सहेजा है। तो बी राइट आंसर बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं? तो बेटा किसके दरबार में मूल रूप से अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र खूब किया है? तो है जहांगीर का दरबार। जहांगीर के दरबार में मूल रूप से अबुल हसन ने खूब चित्रण किए हैं ईसाई विषयों पर। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। कहा गया कांगड़ा शैली का संस्थापक कौन है? अकबर, राजा संसार चंद, राजा कृपाल पाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कांगड़ा शैली को संस्थापित करने का काम राजा संसार चंद का रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा गया है भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पुनरुत्थान काल का आरंभ कहाँ से होता है? पटना स्कूल से, बंगाल स्कूल से, बिहार स्कूल से या फिर ईस्टर्न स्कूल से? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे भारतीय कला में पुनरुत्थान बंगाल स्कूल से होता है, जिसकी देन जो है आवनी बाबू हैं। आवनी बाबू ने बंगाल स्कूल को स्थापित किया। बंगाल शैली के जनक माने जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, तो 18 में कहा गया है न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी। न्यू बंगाल स्कूल पूछा गया, बंगाल स्कूल नहीं, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो आप जानते हैं जिसे हम लोग मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं, वही जो है न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना करते हैं, यानी नंदलाल बोस साहब करते हैं। डी राइट आंसर बन रहा है। भारतीय संविधान की पंडुलिपियों को भी इन्होंने चित्रित किया है। आप जानते होंगे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसको जो है चित्रित करने का काम इन्हीं का रहता है। गांधी जी की दांडी यात्रा भी उन्होंने चित्रित की है। तो ये मूल रूप से नंदलाल बोस साहब, मास्टर मोसाय साहब अच्छे से चित्रण करते थे। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अमृता सेरगल की माँ थी, क्या थी बेटा, अमेरिकन, हंगेरियन, भारतीयन या फिर अंग्रेज। बेटा बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, अमृता सेरगल की अम्मा कहाँ की थी। बेटा इनकी माँ जो थी वो हंगेरियन थी, हंगेरियन, जन्म इनका हंगरी में हुआ है, मृत्यु लाहौर में हुआ है। किसका, अमृता सेरगल का। अमृता सेरगल की मृत्यु लाहौर में हुई है, जन्म इनका बर्थ जो है वो हंगरी में है, याद रखना है। इनकी माँ जो है हंगेरियन थी और पिताजी इनके जो है भारतीय मूल के सिख थे। तो राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। टेस्ट पेपर 5 का 20वां क्वेश्चन कह रहा है मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है। ऑप्शन है गणेश पाइने, विकास भट्टाचार्य, पीटी रेड्डी या फिर एमएफ हुसैन। तो आप जानते हैं मदर टेरेसा सीरीज जो चलाया गया था वो एमएफ हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो कोई 20 क्वेश्चंस मिले हैं टेस्ट पेपर 5 में, इससे आपको जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी तैयारी कुछ हद तक आगे बढ़ी होगी। अच्छा 20-20 क्वेश्चंस आप पर डे याद भी कर लेते होंगे, आराम से जो है आपको कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं रहता होगा। एक महीने में 600 क्वेश्चंस, 3 महीने में 1800 क्वेश्चंस आपके याद हो जाएंगे और आराम से आपकी तैयारी बहुत ही बेटर हो जाएगी। आपको जो परीक्षा हाल में 125 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जब वहां आप देखेंगे कि केवल टेस्ट पेपर से यहां पे हमारा 80 से 90 क्वेश्चंस सही हो जा रहा है, केवल टेस्ट पेपर से 80 से 90 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ स्टार लगा लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा, बेटा ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप क्वेश्चंस को बार बार लिखेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा, उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।